एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फर्स्ट द कॉन्टेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन फ्रूटफ्लाइज फैक्टर्स अफेक्टिंग रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एनिमल्स एंड द बायोटिक पोटेंशियल फर्स्ट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल का लफ्ज़ सबसे पहले तो हमें इसके मीनिंग से पता नहीं एक्सपोन का exponential का मतलब तो ऐसी चीज जो मल्टीप्लाई होती है यानी कि जिसकी जिसके नंबर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था उसको हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ रही है यानी ये मल्टीप्लाई होते चली जा रही है सिंपली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी उन्हें मानू में आएगी कि ये कैसा ग्रोथ पैटर्न है पॉपुलेशन के अंदर जिसमें द नंबर ऑफ इंडिविजुअल दे मल्टीप्लाई वो सिंपली एड अप नहीं होगा बल्कि क्या होगा मल्टीप्लाई होगा सो इट इज़ अ ग्रोथ पैटर्न इन द पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न इन विच द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन दे मल्टीप्लाई तो उन विध ईच जनरेशन हर जनरेशन के को सात नंबर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्ज़ाम्पल दूँ कि जैसे हमारे पास फिफ्टी uh, इंडिविजुअल हैं तो हम ये कहें कि हर साल दस इंडिविजुअल बढ़ेंगे तो फिफ्टी से सिक्सटी सिक्सटी से सेवेंटी सेवेंटी से एट्टी इसको कहते हैं एड अप होना लेकिन अगर यूँ हो कि अगर फिफ्टी हैं जी नेक्स्ट ये ने क्या हो जाएंगे हंड्रेड उससे अगले साल टू हंड्रेड हर साल डबल हो रहे हैं तो इसको कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल है ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ग्रोथ का पैटर्न आम तौर तो पर जो है ये एक्सपोनेंशियल होता है तमाम एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है यानी कि इसमें क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई होगी इसमें सो द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द सेम रेशो इसमें खास बात यह होती है कि जित एक खास रेशो से पॉपुलेशन बढ़ती है खास नंबर से नहीं बढ़ेगी यानी सपोज अगर फिफ्टी एनिमल्स हैं जितने भी एनिमल्स हैं अगर उसमें डबल होना तो हर दफ़ा वो क्या होगा डबल होता चला जाएगा तो सपोज अगर फिफ्टी है तो हंड्रेड हो जाएगा हंड्रेड है तो टू हंड्रेड होता जाएगा सो देर इज द मल्टीप्लीकेशन इन द पापूलेशन एग्जाम्पल्स के तौर तो पर हम एक्सपेरनेशियल ग्रोथ को एक्सप्लेन करने के लिए वही टेक्जाम्पल है फ्रूट फ्लाई सपोज वी हैव बिग जार हमारे पास एक बड़ा जार है उसके अंदर हमारा सारा जो फूड मटीरियल है उसके अंदर अवेलेबल है अब सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल है एंड देर आर फ्यू जो ड्रोफिलाई फ्रूट फ्लाईज आर देयर सो वट विल हैपन एवरी फ्रूट फ्लाई प्रोड्यूस अबाउट फिफ्टी एग्स हर फ्रूट फ्लाई तकरीबन फिफ्टी एग्स प्रोड्यूस करती है सपोज इट इज प्रोड्यूसिंग फिफ्टी एग्स तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास टेन फ्रूट फ्लाईज हैं फाइव मेल हैं फाइव फीमेल हैं तो जो फाइव फीमेल हैं ईच ऑफ द फीमेल देव विल प्रोड्यूस फिफ्टी एग्स एंड इफ़ आल द एग् सर्वाइव्स तो फाइव फ्लाई जब फिफ्टी एग्स प्रोड्यूस करेंगी तो इट मीन्स दफ स्ट्रिंग्स विल बी टू फिफ्टी तो ऑफ स्ट्रिंग क्या वो फिफ्टी टाइम्स यानी टू फिफ्टी हो जाएंगे देन टू फिफ्टी जो है उसमें से जितने भी फीमेल होंगे दे विल रिप्रोड्यूस एंड ईच फीमेल विल अगेन प्रोड्यूस फिफ्टी एग्स तो इसका रिजल्ट यह होगा कि पॉपुलेशन बजाय इसके टेन ट्वेंटी थर्टी की तरफ बढ़ती तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है टेन टू फिफ्टी और 250 में से अगर हर फ्लाई अगर जो है वो अगर उसमें हाफ फ्लाईज भी फिफ्टी एक्स देंगी तो इसका मतलब नंबर कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन विच द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इट मल्टीप्लाइज विद ईच पासिंग जनरेशन दिस स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल द एक्सपोनशियल पैटर्न एक्सपोनेंशियल पैटर्न का हेयर वी हैव द ग्राफ इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक नंबर है लेकिन हर पैटर्न के बाद हर जो है वो यानी कि जनरेशन uh, के बाद आस्ता क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो मल्टीप्लाई करता जा रहा है जिस वजह से होती है पॉपुलेशन जब वो एक रेपडली ब्लूम आउट कर दिया है तो जो है बढ़ रही है ह्यूमन पॉपुलेशन भी आलमोस्ट यही है कि ह्यूमन पॉपुलेशन भी अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री के मुकाबले में, में देखते हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन बड़े रेपिडली मल्टीप्लाई एक्सपाइनेंशियली जो ग्रो कर रही है दिस इज दम इसीलिए जो डेवलप्ड नेशन है उनका एक मेजर कंसर्न है कि एक्सपोरेंशियल ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए ताकि अकॉर्डिंग टू रिसोर्स जो वो पापुलेशन ग्रो करे सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन से फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहते हैं हाउ द इंडिविजुअल हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाई एन इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल कितनी ऑफ पैदा कर सकता है वो उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल तो आम तौर पर जो ओवरऑल हम देखें तो इसका जो लिंक है विद रेफर पॉपुलेशन उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस एक टाइम में कितने ऑफ स्प्रिंग जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं सपोज अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में एट ए टाइम वन इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है अगर आपके पास कोई बर्ड है तो दैट मे भी प्रोड्यूसिंग फोर इंडिविजुअल्स बर्ड जो फोर इंडिविजुअल पैदा कर रहा है लेकिन अगर आप किसी इंसेक्ट से मुझे एग्जाम्पल लेते हैं तो वो तो हंड्रेड ऑफ एग्स प्रोड्यूस करेगा तो इसका अंदर जो ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करेगा जो जित जितने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा उसको रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा सर्वाइवल टू द रिप्रोडक्टिव एज सेकेंड वन है कि कितने उसमें सर्वाइव करके मैचोर हो रहे हैं एंड वट इज द टाइम स्पेंड फॉर मेच्योरिंग मेच्योर होने में कितना टाइम लग रहा है एंड नेक्स्ट वन इज द हाउ मच टाइम इट विल रिमेन मेच्योर मेचोर टाइम के ऊपर ही कितनी लाइफ गुजारेगा अगर कोई इंडिविजुअल है सपोज वो मेच्योर होने के बाद एक इंसेक्ट अगर सेवन डेज गुजारता है अपनी मेच्योर लाइफ में और एक इंसेक्ट मेच्योर लाइफ के ऊपर वन मंथ गुजारता है डेफिनेटली जिसका जो वन मंथ मैचोर लाइफ गुजारेगा उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा सो द अदर टर्म यूज़ इज द बायोटिक पोटेंशियल सो बायोटिक पोटेंशियल बेसिकली इट्स द कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन टू इंक्रीज विद द मैक्सिमम स्पीड एक पॉपुलेशन जितनी मैक्सिमम स्पीड से बढ़ सकती है उसको हम क्या कहेंगे इट इज़ द बायोटिक पोटेंशियल है जैसे अभी हमने अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल दें जैसे एक ड्रोसोफिला हम कहते हैं कि ड्रोसोफिला की जो है वन ड्रोसोफिला फीमेल इट कैन प्रोड्यूस फिफ्टी एग्स तो अगर किसी पॉपुलेशन में फाइव ड्रोसोफिला फ्लाइज हैं तो हर एक क्या करेगी फिफ्टी एग्स प्रोड्यूस करेगी तो मैक्सिमम इसका बायोटेक पोटेंशियल कितना हो जाएगा टू फिफ्टी होगा हम ये नहीं कह सकते कि पाँच ड्रोसोफिला वन थाउजेंड ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी बल्कि फाइव ड्रोसोफिला दे विल प्रोड्यूस टू फिफ्टी एग्स टू फिफ्टी ऑफ स्प्रिंग्स तो मैक्सिमम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने की सलाहियत जो है दैट इज कॉल इट्स बायोटिक पोटेंशियल इसके लिए इसके साथ जो दूसरा टर्म यूज होती है दैट द इंटेंसिक रेट ऑफ ग्रोथ के इंटरनल रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कितना होगा पॉपुलेशन का